ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा आप सभी को अपना प्यार भरा नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए माह नवंबर के राशिफल के विषय में। तो आइए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है माह नवंबर के लिए। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और आपके कुंडली के सप्तम हाउस में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है तुला राशि में, और बुध और गुरु की युति आपकी कुंडली के अष्टम यानी कि एर्थ हाउस में बनी हुई है, और शनि आपके कुंडली के भाग्य स्थान में यानी कि धनु राशि में नवम भाव में विराजमान है। मंगल और केतु की युति आपके कुंडली के दशम स्थान में यानी के मकर राशि में बनी हुई है। मित्रों, इस माह ग्रहों की जो स्थिति बदलने वाली है उसके विषय में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। सूर्य 16 नवंबर को अपनी राशि परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे यानी के आपकी कुंडली के एर्थ हाउस में अष्टम भाव में वो प्रवेश करेंगे और बुध और गुरु के साथ अपनी युति बनाएंगे। मंगल 6 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करने का मतलब होता है मित्रों कि वो आपके कुंडली के एकादश भाव में आएंगे। बुध वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं तथा 17 नवंबर को ये वक्री होने वाले हैं। 22 नवंबर को ये अस्त होने वाले हैं और गुरु आपके वृश्चिक राशि में यानी के अष्टम भाव में ही रहेंगे तथा 10 नवंबर को मित्रों ये अस्त होंगे। यानी कि जब ये अस्त होंगे तो समझिएगा कि जिसको कहते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे पंचांग के अनुसार कि तारा अस्त हो गया, तो उस समय कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह वगैरह या कोई ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके आगे चर्चा करेंगे। शुक्र तुला राशि में ही रहेंगे वक्री स्थिति में और ये 1 नवंबर को वक्री स्थिति में ही उदय होंगे और 16 नवंबर को मार्गी होंगे। शनि धनु राशि में ही आपके कुंडली में बने रहेंगे, राहु आपके कुंडली में कर्क राशि में ही बने रहेंगे और केतु आपके कुंडली के मकर राशि में ही बने रहेंगे। तो ये था मित्रों आपके महा नवंबर के ग्रह गोचर का स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए। जानेंगे कि मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा उसके विषय में भी आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर इस राशि के जो जातक हैं मित्रों प्राय पतले व लंबे चेहरे के होते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन में इनको संघर्ष कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। अब चर्चा करेंगे आप मेष राशि के जातकों के व्यवसाय के विषय में। मित्रों, आपके व्यवसाय के विषय में बताना चाहेंगे कि इस माह इस राशि के जो जातकों की व्यवसाय से संबंधित स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। चाहे आप नौकरी में हैं मित्रों या फिर आप व्यापार कर रहे हैं, परंतु आपके जो आय के स्रोत हैं, इनकम जो आपकी हो रही है वो तो आपकी अच्छी बनी रहने वाली है इस माह, परंतु खर्च की भी विशेष रूप से अधिकता रहने वाली है। हालांकि आपका खर्च कहीं गलत जगह नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। आपको अपने व्यवसाय से संबंधित लंबी दूरी की भी यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि आपको इस यात्रा से कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं होने वाला। इस माह आपको अपने कार्य में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ मित्रों हम यही कहना चाहेंगे कि अपने व्यवसाय, चाहे आप नौकरी में हैं या फिर व्यापार में हैं, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता है और आप उस पर अपना पूरा कंसंट्रेशन आपको करना होगा, करना चाहिए और अपना फोकस उस पर रखना होगा। अब चर्चा करेंगे आपके इस नवंबर में वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है। मित्रों, आय के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि खर्च की तो अधिकता बनी रहेगी और बनी रहनी है इस माह आपके,
लेकिन आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी अपनी जो जमा राशि है, जो कि आपने पहले से संचय की हुई है, वो कहीं प्रभावित ना हो। इस बात का आपको बहुत इस माह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो ये था मित्रों आपकी वित्तीय स्थिति के संबंध में। अब आगे चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। मित्रों बताना चाहेंगे कि इस माह के मध्य तक आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके जो अपने पार्टनर के साथ संबंध हैं उनमें कहीं कोई कड़वाहट पैदा ना हो। मगर महामध्य के उपरांत और मध्य के उपरांत और उस अंत तक माह के संबंधों में मधुरता बनने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो ये था मित्रों आपके प्रेम संबंध के विषय में। अब चर्चा करेंगे आगे आप मेष राशि के जातकों की स्वास्थ्य के विषय में। तो मित्रों इस माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी तरह सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारी ओर से ये आपको सलाह है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो फिर आप परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच अवश्य कराएं। और अगर आपने अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरती तो आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी प्रभावित हो सकता है इस माह। तो मित्रों हमारी आपको ये सलाह है कि कृपया आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें पूरे माह। आगे बात करेंगे आपके संतान के विषय में। तो मित्रों माह के मध्य तक तो आपके जो अपनी संतान की ओर से चिंता व परेशानी बनने के योग बन रहे हैं ग्रहों के अनुसार, और उसके उपरांत इस स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, और स्थिति में सुधार धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा मध्य के उपरांत माह के। फिर भी हम आपको यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आपको अपनी संतान की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। आप अपनी संतान की ओर अवश्य ध्यान दें। और मित्रों जैसा कि अभी हमने आपको आरंभ में बताया था राशिफल के कि सूर्य जो हैं वो इस नवंबर माह में 15 दिन अपनी नीच राशि में ही रहने वाले हैं, तो आप पूरे माह अगर सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और एक माला आप गुरु की प्रतिदिन अगर करते हैं, जिसका मंत्र की उनके बीज मंत्र का जाप करें, तो भी आपको बहुत लाभकारी रहेगा। मंत्र है, मंत्र आपको बताते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये मंत्र है, इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन आप जाप करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा अपने जीवन में। तो मित्रों ये तो था मेष राशि के जातकों का माह नवंबर के लिए राशिफल। अब हम आपको कहना चाहेंगे कि आप हमारे ज्योतिष रतन लाइव चैनल को लाइक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और मित्रों अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली भी हमको दिखा सकते हैं और हमसे परामर्श ले सकते हैं, और उसके उपाय जीवन में करने से उस अपने जीवन में उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।